नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in। राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद को दिल्ली एम्स जाने की इजाजत मिल गई है। अब लालू प्रसाद को बेहतर इलाज के लिए रिम्स से दिल्ली एम्स ले जाया जाएगा। गृह विभाग ने इसकी अनुमति दे दी है। रिम्स प्रशासन को संबंधित आदेश की चिट्ठी भी मिल गई है। गृह विभाग की चिट्ठी मिलते ही रिम्स प्रशासन ने लालू प्रसाद को डिस्चार्ज करने की तैयारी शुरू कर दी है। मिल रही जानकारी के मुताबिक लालू प्रसाद को राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली ले जाया जाएगा। रिम्स में इलाजरत लालू प्रसाद की हालत में सुधार नहीं आ रहा है। स्वास्थ्य जांच के लिए मंगलवार को फिर से रिम्स मेडिकल बोर्ड की बैठक हुई थी। अस्पताल अधीक्षक नेतृत्व में जो बैठक हुई उसमें कहा गया कि लालू प्रसाद को कई बीमारियां हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य के बारे में कंबाइंड ओपिनियन जानने के लिए विशेषज्ञों की राय लेना जरूरी है। ऐसे में उन्हें एम्स या फिर किसी हायर इंस्टीट्यूशन में भर्ती कराया जाना चाहिए। जाहिर है कि गृह विभाग और कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद लालू प्रसाद को राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि लालू प्रसाद अपने खर्च पर फ्लाइट से दिल्ली जाना चाहते थे। इसके लिए लालू प्रसाद ने जेल अधीक्षक को पत्र भी लिखा था। लेकिन गृह विभाग ने उनकी मांग को मंजूरी नहीं दी। फिलहाल उनके लिए राहत की बात यह है कि गृह विभाग ने उन्हें दिल्ली एम्स में इलाज के लिए इजाजत दे दी है। पटना से लाइव सिटीज की रिपोर्ट।